दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने त्योहारी सीजन में शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर यातायात व्यवस्था और जरूरी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों का पैदल दौरा किया। इस दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के साथ एएसपी अभिषेक झा, सीएसपी मणिशंकर चंद्रा, ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर समेत पुलिस बल ने सभी पुलिस अधिकारी दुर्ग के साथ मार्केटों में पैदल पेट्रोलिंग करते हुए गंजपारा से चंडी मंदिर, तमेरपारा, मोती कॉम्प्लेक्स, पुराना बस स्टैंड, पटेल चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि शाम के मैं निश्चित रूप से पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनाएं। आगामी त्योहारी सीजन को लेकर सतर्कता बरती जाए, जिससे अराजक तत्वों पर शिकंजा कसा जा सके। भीड़भाड़ वाली जगहों पर संदिग्धों को रोककर पूछताछ कर दुकानदारों से आह्वान किया कि आसपास किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति को दिखाई देने पर पुलिस को सूचित करें। साथ ही आम जनता से अपील की गई कि प्रमुख स्थानों पर सीसी कैमरे लगाएं, जिससे अपराध होने पर तुरंत मदद मिल सके। इस संबंध में एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया आसन्न विधानसभा भी चुनाव जो 2023 चल रहा है उसके संदर्भ में एसपी सर के द्वारा जो है विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से जुलूस और आम सभा के लिए रैली होने वाली है। इसमें प्रॉपर जो है सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनके द्वारा निर्देश दिया गया है और उचित व्यवस्था लगाने के संबंध में ट्रैफिक और जो कोतवाली और मोहन नगर थाने को उचित निर्देश दिशा निर्देश प्रदान किया गया है। हाँ, पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। जो ट्रैफिक डीएसपी हैं हमारे यहाँ के, वो उनके द्वारा जो विशेष जगहों को चिन्हित किया गया है जिनके संबंध में संबंधित कार्यक्रम आयोजकों को बताया गया है। मार्च जरूरत पड़ने पे समय समय पे अभी की जाएगी, उसकी प्लानिंग की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।